बोलो नागेंद्र देवता की। दगड़ियों चंद धारगो की बड़ी जी जगह धारगो मयादी, सॉरी मयादी बेचन धारगो मयादी बड़ा धार बड़ी जी चाची जी दीदी जी जगह देखा भाई जो जो वीडियो में आगे देखना जाने एक माँ चाची बड़ी दीदी बोले जो भी जाने अगर जो जो मिस का नो जगह धारगो बोलो नागेंद्र देवता की। हाय दगड़ियों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ बढ़ियार गांव के सरमोली से। आज के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा आपको नागेंद्र देवता का सबसे प्रिय स्थान रतकोट बिंदी का सरमोली वाला रास्ता। सरमोली वाला रास्ते से कैसा आना है आपको, और यहाँ की डांडियों कांटियों का जबरदस्त अमेजिंग व्यू, और साथ में मैं दिखाऊंगा आपको नागेंद्र देवता के दर्शन। तो चलिए देखते रहिए पूरी वीडियो को। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के साथ में बेल प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना, ऐसे ही पार्टी कल्चर ट्रैवलिंग ब्लॉग्स और गांव की वीडियोस के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग की भी शुरुआत करते हैं। जय हो नागेंद्र देवता। कड़ी में आ गए थे, पता नहीं क्यों आज सब अलग अलग चले गए। पिछली बार तो साथ में आए थे और आज सब अलग अलग चले गए। और जो भोंगोरे वाले थे, भोंगोरे वाले जंगल के रास्ते चले गए, जो अपनी माँ बाला सुंदर धाती माता का मंदिर है, तो कुछ लोग अलग चले गए। तो मिलेंगे तो सब रतकोट बिंदी में, लेकिन इस बार सब अलग अलग चले गए, तीनों रास्ते से चले गए, इसलिए जितनी भी भीड़ है, भीड़ तो ऊपर रतकोट बिंदी में देखने को मिलेगी। रास्ते अनेक है लेकिन मंजिल एक ही है। तो बहुत सारे रास्ते हैं। नागेंद्र देवता के सभी भक्तजन, कोई जंगल के रास्ते गया, कोई सिल्ला वाले रास्ते गया, और हम लोग आ गए बढ़ियार गाँव। और बढ़ियार गाँव चिरबट्टे के बीच है सरमोली। सरमोली कौन? सरमोली चाचा जी बता रहे यहाँ पे, ये सरमोली वाला रास्ता। तो नागेंद्र देवता के जितने भी भक्त हैं सब रतकोट बिंदी में देखने को मिलेंगे। जबरदस्त भीड़ होने वाली है रतकोट बिंदी में अभी, और नागेंद्र देवता के दर्शन भी होंगे। तो चलिए देखते रहिए पूरे ब्लॉग को। और भाई देखो सांस फूलने लगी है अभी से ही। यहाँ से भी कम से कम 30 से 45 मिनट का रास्ता है। इससे पहले हम लोग रतकोट बिंदी इधर से गए थे डोली के साथ में, जब जाते नागेंद्र देवता की। तो रास्ते का पता नहीं, मुझे भी भूल गया मैं। देखते साथ में चाचा जी हैं और भी नागेंद्र देवता के भक्त हैं 10-15, बड़ी जी, चाचा जी सब हैं। तो चलिए दिखाता रहूंगा मैं आपको आगे यहाँ का रास्ता कैसा है। जिस जिसको रास्ता पता नहीं है, ये वाला सरमोली वाला, तो ये वाला रास्ता भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलिए देखते रहिए पूरी वीडियो को लास्ट तक। और ये चाचा जी, जय नागेंद्र देवता। जय नागेंद्र देवता बोला भाई, जय नागेंद्र देवता। जय नागेंद्र देवता। कौन जिला कौन था? बढ़िया जिला कौन? सास नहीं पुनी। तो ये देखिए जंगल का जबरदस्त व्यू है, बांज के पेड़ों का। वाह, अमेजिंग व्यू। ये देखिए बांज बुरांस, ये देखिए ये रास्ता बहुत ही अच्छा रास्ता है अभी तक, मस्त रास्ता। ये देखो तो एक बार फिर से, हर बार यही होता है। हम लोग इस बार भी थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, लेकिन इस बार ज्यादा नहीं, बस 2-5 मिनट रास्ते भटके और रास्ता फिर मिल गया। ये देखिए ये टावर। और मुझे भी नीचे से याद आ गई, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम डोली लेके जा रहे थे तो वहाँ पे हम लोग रास्ता भटक गए थे। चाचा जी को भी फिर याद आ गया। तो इस बार ज्यादा भटके नहीं, और अगर कोई रास्ता भटकेगा तो ये टावर है, ये देखिए यहाँ पे टावर में रास्ता मिल जाता है नीचे से भी। और जो मेन रास्ता है जहाँ से हम लोग आ रहे थे, हम लोग वहां से आ गए थे लेफ्ट वाली साइड, और जो रास्ता था वो राइट वाली साइड में है। तो ये देखिए राइट वाला जो साइड है, राइट वाली साइड में जो रास्ता है वो वाली साइड में आना है, और हम लोग आ गए थे लेफ्ट वाली साइड में। तो ये देखिए बैक वाले कैमरे से दिखाता हूँ मैं ये टावर थोड़ा। और अभी हम लोग के साथ में 8-10 लोग हो रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं उनका वेट अभी। तो ये है टावर, ये देखिए यहाँ पे टावर है। कौन सा टावर है, जियो वाला फोन पता नहीं, लेकिन टावर है यहाँ पे। मयारी बेसन तीजन धार घूम मयारी वाला धार बड़ी जी चाची जी दीदी जी जगह देखा भाई जो जो वीडियो में अगर देखना जाने एक माँ चाची बड़ी दीदी बोले जो जाने अगर जो जो मिस करना तो जगह धार घूम मयारी क्या के वाला तब बेटे दिया जाना सब लड़का लोग दिया सब कुछ बेटे जिता भी रहना सब दिया। चलो जी।